Okay, now we start with this new problem. In this problem, a square prism having the side base 40 mm and the height is 80 mm. Okay, draw क्या करना है आपको square prism. Okay, उसकी side 40, height is 80 mm. Is resting with its base on HP. Okay, कहाँ रखा है? Horizontal plane पे रखा हुआ है base से, such that the all the vertical faces of the prism are equally inclined. Okay, तो आपको square के कैसे represent करना है? इस तरह से. यानी ये जो साइड है वो वर्टिकल प्लेन को क्या रहे, इंक्लाइन, मीन्स कि इस तरह से आपका स्क्वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है. क्लियर? दैट वन इज योर पीपी एचपी. ओके, प्रिज्म है, सभी साइड कैसे आएगी? ऑल साइड्स आर सेम. क्लियर? ओके, साइड का माप कितना है? दैट वन इज 40. इस सेंटर से दैट वन सेंटर योर एक्सिस इज 80 mm. क्लियर? मीन्स कि आप यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? दैट वन इज योर रेक्टेंगल. और यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? दैट वन इज योर स्क्वायर. ओके, तो दैट इज योर टॉप व्यू एंड दैट इज योर फ्रंट व्यू. और क्या बोला है? प्रिज्म इक्वल इंक्लाइंड. ओके, अ होल ऑफ द 40 mm डायामीटर इज ड्रिल सेंट्रली थ्रू द प्रिज्म. ओके, मीन्स के यहाँ पे इसके सेंटर में एक होल है. ओके, क्लियर? यानी यहाँ पे आपको होल ड्रॉ करना है एक एक्सिस के सेंटर में. क्लियर? वो दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करना है. सच दे द एक्सिस होल इज 90 degrees टू द वीपी. मीन्स के इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वर्टिकल. ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वीपी को परपेंडिकुलर होगी, मीन्स के 90 degrees होगी. ड्रॉ दी प्लेन, मीन्स के टॉप व्यू ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और डेवलपमेंट. क्लियर? ओके, ओके, स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ करना है आपको. स्क्वायर कॉर्नर से ड्रॉ करना है, तो आपको पता है कॉर्नर से ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ओके, फर्स्ट वी ड्रॉ 45 degree एंगल एंड फर्स्ट वी ड्रॉ एक्स वाई लाइन. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूँगा? एक्स वाई लाइन. ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 13 है. मैं पीछे की साइड को करूँ एक्स एंड दैट वन इज वाई. क्लियर? ओके, अब आपको पता है टॉप व्यू, मीन्स के टॉप व्यू, तो टॉप व्यू आपका किस तरह से? ओके, दैट इज एक्स, दैट इज योर वाई. मीन्स के टॉप व्यू आपका इस तरह से जो होगा दैट वन. ओके, दैट वन इज योर टॉप व्यू और इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड और यहाँ से दैट इज योर फ्रंट व्यू. ओके, ये कितनी है? दैट वन इज 80. ओके, तो आपको यहाँ पे एक होल मार्क करना है क्योंकि उसके सेंटर में बोला है सेंट्रली. मीन्स के ये डिस्टेंस कितना आएगा? दैट वन इज योर 40. ओके, और सर्कल का डायमीटर कितना है? 40 mm. मीन्स दैट वन डायमीटर इज योर 40 mm. ओके, इसके टॉपी इस तरह से ड्रॉ करना है. ओके, तो मैं पहले एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. ओके, एंगल कितना लेना है? ओके, एंगल कितना लेना है? यहाँ से एंगल 40 degrees. ओके, कितनी ले माप है? 40 mm. ओके, साइड कितनी है? दैट वन इज 40 mm. ओके, तो सेम ही चीज़ कर लो. यहाँ से लाइन एक्स वाई को परपेंडिकुलर और यहाँ से लाइन एक्स वाई को पैरेलल. क्लियर? आप क्या करना है? एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. मीन्स दैट वन सेंटर, दैट वन पॉइंट रेडियस, लाइक सर्कल. मीन्स ये साइड होगी आपकी दैट वन. ओके, अब इसको ज्वाइन कर दो. ओके, अब इसको इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है. हो गया आपका स्क्वायर कॉर्नर से. ओके, अब आपको पता है क्या करना है. प्रिज्म है तो यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, दैट वन इज ए बी सी एंड डी, दैट एंड स्टॉप एंड बेस वन
टू थ्री एंड फोर, ओके। इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड, ओके। ओके, साइड कितनी थी? दैट वन इज 40। ओके, अब हाइट कितनी बोलिए? 80। ओके, हाइट कितनी है? दैट वन इज 80। ओके, ये बेस है। बेस के पॉइंट कौन से थे? 1 2, तो दैट वन इज़ योर 1 डेज। 2 and 4, तो दैट वन इज़ योर 2 डेज। 4 डेज, दैट वन इज़ 3, तो दैट वन इज़ योर 3 डेज। क्लियर? सेम, दैट वन इज़ योर 8 डेज। ओके, डी और बी इज बी डेज, डी डेज, ओके, एंड दैट वन इज़ योर 3 डेज। क्लियर? टॉप और बेस के पॉइंट के, ओके। अब क्या बोला था? ओके, द होल ऑफ 40 mm डायमीटर इज ड्रिल सेंट्रली थ्रू द प्रिज्म। ओके, तो बेसिकली जो होल है वो इसके सेंटर में है। इसके सेंटर में मीन्स यहाँ से मैं इसका सेंटर लेता हूँ, दैट वन इज योर 40। ओके, और यहाँ पे जो सर्कल आएगा वो कितना है? 20 mm। ओके, क्या बोला? 40 mm डायमीटर मीन्स के 20 mm रेडियस। ओके, 40 mm डायमीटर मीन्स 20 mm रेडियस। ओके, तो 20 mm रेडियस लेके एक सर्कल। ओके, यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दैट वन। अब क्या है? प्रिज्म है, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो रेक्टेंगल सीट आएगी। तो रेक्टेंगल सीट की लेंथ फाइंड करने के लिए एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड्स लेंथ। ओके, नंबर ऑफ साइड मीन्स की कितनी साइड है? 4। क्लियर? अब आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर प्रिज्म है तो कितनी साइड है? 4। तो लेंथ फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा नंबर ऑफ साइड इनटू साइड लेंथ। तो नंबर ऑफ साइड कितनी? 1 2 3 4, और साइड की लेंथ कितनी? 40। तो 40 160। ओके, मीन्स कि यहाँ से कितना लेंथ लेनी है? 160। ठीक है, ओके, दैट वन लेंथ इज 160। आपको पता है प्रिज्म है तो इसको ओपन करोगे तो आपको रेक्टेंगल साइड दिखेगी। ओके, और एक्स वाई लाइन को पैरेलल मैं यहाँ से इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ। क्लियर? ओके, नाउ दैट वन यू जॉइन एंड नाउ दैट वन यू जॉइन। ओके, साइड पता है आपका कितनी है? 40। तो मैं 40 mm के पॉइंट ले लेता हूँ, मीन्स कि आपकी 4 साइड मिल जाएगी। दैट वन इज योर 40 80। ओके, अब इसको ज्वाइन कर दो इस लाइन को पैरेलल फर्स्ट, ओके, सेकंड, थर्ड। क्लियर? ये आपका बेस है। बेस के पॉइंट कौन से? 1 2 3, मीन्स के 1 2 3 4, एंड लास्ट वन आएगा। ओके, सेम टॉप ए बी सी डी, तो दैट वन इज ए बी सी डी, एंड फर्स्ट और लास्ट कॉमन मीन्स ए। ओके, ओके, अब यहाँ पे बेसिकली सर्कल के प्रोजेक्शन लेने हैं, पर थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये 4 ही पार्ट है तो यहाँ पे परफेक्ट आपका कर्व नहीं आएगा। इसके लिए मैं इसके 8 इक्वल पार्ट कर देता हूँ। ओके, आई डिवाइड दिस सर्कल इन 8 इक्वल पार्ट। ओके, सर्कल को मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा आपका कर्व स्मूथ जनरेट हो। ओके,
अब इसको मैं दे देता हूँ, दैट वन इज योर पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, ओके क्लियर। ओके अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन इस साइड ले लो, इज दैट वन इज योर वी डब्ल्यू एंड यू टी एस एंड आर। ओके सेम इस लाइन को एक्सटेंड कर दो लास्ट तक, ओके इतना हो गया। ओके अब चलो पहले मैं यहाँ पे पॉइंट दिखा देता हूँ, बाद में यहाँ पे किसके पॉइंट बाकी रहते वो देखा। ओके ये वी की लाइन है, ओके प्रोजेक्शन साइड, ओके ये वी की लाइन है, और वी पॉइंट कहाँ पे है, वी और आर पॉइंट, वी और आर पॉइंट कहाँ पे है, दैट वन इज बी ओ डी, ओके बी ओ डी और टू और फोर, जो वी और आर है वो किसके किसके ऊपर है, टू फोर, टू फोर एंड डी और बी, उसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, आर और बी। ओके तो यहाँ पे देखो दैट वन इज़ वी पॉइंट, तो वी किसकी लाइन पे है, बी डेज डी डेज और टू डेज फोर डेज, तो दैट वन इज़ बी, तो वी बी, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा दैट वन इज़ योर वी पॉइंट। ओके सेम वी और कहाँ पे, डी पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट वन इज़ योर वी। ओके दो पॉइंट मिलेंगे क्योंकि ये वी पॉइंट है, बी और डी के है, बी पे भी है और डी पे भी है। ओके सेम दैट वन इज़ योर पी, अब ये पॉइंट आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, वो करते हैं। ओके दैट वन इज़ आर, तो आर भी देख लो, आर कहाँ पे है, टू और फोर, तो आर टू, आर टू, इस यहाँ पे आपको मिलेगा दैट वन इज़ आर, आर फोर की लाइन, दैट वन इज़ योर फोर की लाइन, टू डेज और फोर डेज, ओके तो दैट वन इज़ योर आर। ओके आपको दो पॉइंट मिल गए, अब क्या करना है, डब्ल्यू और यू फाइंड करना है, पर डब्ल्यू और यू किसकी लाइन पे आपको पता नहीं है, इसके लिए क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड। ओके डब्ल्यू और क्यू, दैट वन प्रोजेक्शन डाउनवर्ड, ओके एंड दैट वन प्रोजेक्शन डाउनवर्ड। ओके तो इससे क्या होगा, आपको दैट इज डब्ल्यू एंड क्यू, तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट वन इज योर डब्ल्यू एंड दैट वन इज योर क्यू, और इसके प्रोजेक्शन लोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट वन इज़ यू एंड दैट वन इज़ एस, क्लियर। ओके तो ये डब्ल्यू की लाइन है, ओके और यहाँ पे जो डब्ल्यू है ए और डी के बीच में है, ए और डी, ओके और ए और क्यू के बीच में, ए सॉरी ए और बी के बीच में क्या है, क्यू, तो ए और बी के बीच में क्या है, क्यू, तो ए टू बी, तो मैं क्या करूँगा ये लाइन ले लूँगा क्योंकि आपको डब्ल्यू मार्क करना है, W और Q मार्क करना है, तो मैं पहले यहाँ पे Q मार्क कर देता हूँ। ओके तो दैट वन इज योर Q, तो Q किसके बीच में, A और B के, तो A सेंटर Q रेडियस, ओके A और B के बीच में है तो A सेंटर, ओके तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा दैट वन इज Q एंड ऑल्सो दैट वन इज योर W। ओके वन और फोर के बीच में तो दैट वन क्यू, ओके तो यहाँ पे मैं क्यू ही रखता हूँ, यहाँ पे मैं डब्ल्यू मार्क कर देता हूँ। ओके तो आप देखो वन और फोर के बीच में तो ए टू डब्ल्यू, ओके ए और डी के बीच में या वन और फोर, तो वन और फोर के बीच में, तो मैं यहाँ पे ही सेम ए और डी है तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ दैट वन इज योर डब्ल्यू, ओके दैट वन इज योर क्यू वन, ओके एंड दैट वन इज योर डब्ल्यू वन, मैं इसको वन दे देता हूँ एंड दैट वन इज योर टू, दैट वन इज आर वन, दैट वन इज आर टू। ओके अब इसके प्रोजेक्शन में ले रहा हूँ मैं डाउनवर्ड, ओके अब दूसरी चीज यू और एस, तो ये दैट वन इज यू की लाइन, ये किसकी है, यू की लाइन और ये एस की लाइन है। ओके यू और एस कहाँ पे है, दैट वन इज यू एंड दैट वन इज एस, तो यू किसके बीच में, थ्री और फोर के बीच में,
यू किसके बीच में, थ्री और फोर के बीच में या सी और डी के बीच में। सेम एस किसके बीच में, सी और बी के बीच में या थ्री और टू और थ्री के बीच में। तो मैं टू और थ्री यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, तो टू से थ्री, तो दैट वन टू से थ्री, तो टू से थ्री के बीच में क्या है, एस। मीन्स के बीच में नहीं है, तो एस बी में क्या करूँ, टू सेंटर एस रेडियस, तो टू सेंटर एस रेडियस। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट वन इज योर एस। ओके, सेम थ्री के, थ्री और फोर के, थ्री और फोर के बीच में क्या है, यू है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थ्री सेंटर ले रहा हूँ और यू रेडियस, मीन्स के थ्री और बी, थ्री से फोर तक, तो थ्री से फोर तक यहाँ थ्री सेंटर और यू, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको यू, दैट वन इज योर यू। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर दो, दैट वन इज योर एस एंड दैट वन इज योर यू। ओके, जैसे क्यू वन और क्यू टू, आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट वन एस वन एस टू यू वन यू टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू। ओके, तो आपने यहाँ वी वन और वी टू तो मार्क कर दिया, आर वन और आर टू भी मार्क कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, ओके ये डब्ल्यू और यू की लाइन है, तो दैट वन इज डब्ल्यू। ओके, दैट वन इज डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू कहाँ पे, दैट पॉइंट मीन्स के डब्ल्यू 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 वन। ओके, सेम U, that one is U, U की लाइन है, तो U, U1, U1, W1, clear? That one is U1, okay? Okay, अब देखो, that one is P and T line, that one is P and T line, okay? और P and T की लाइन भी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, वो बाकी है, वो करते हैं एक मिनट, पहले ये लेते हैं Q और S, तो Q और S की लाइन है, that one is Q2, दैट वन इज क्यू टू। ओके, क्यू क्यू टू, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट वन इज योर क्यू टू। सेम एस एस टू, एस एस टू, दैट वन इज योर एस टू। क्लियर? ओके ओके, और यहीं पे बेसिकली आपका कौन सा पॉइंट आएगा, दूसरा दैट वन पॉइंट इज योर डब्ल्यू एंड यू। ओके, क्यू क्यू और डब्ल्यू सेम ही जगह पे आएगा। ओके, आप यहाँ पे बेसिकली यू और डब्ल्यू आपने यहाँ पे ले लिया। ओके, तो बेसिकली एक पॉइंट यहाँ पे सेम यहीं पे फिक्स होगा, क्योंकि डब्ल्यू और क्योंकि क्यू और डब्ल्यू सेम जगह है। कहाँ पे, एक तो बेसिकली क्यू का डब्ल्यू कहाँ पे, ए और डी के बीच में। ओके, और क्यू कहाँ पे, ए और बी के बीच में। ओके, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा एंड एक पॉइंट यहाँ पे, मीन्स के यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दैट वन इज योर डब्ल्यू, दैट वन इज योर यू टू, एंड दैट वन इज योर डब्ल्यू टू। ओके, क्योंकि सेम ही है। ओके, ये सेम ही आएगा, क्योंकि क्यू और यू ऑल्टर है। ओके, और क्यू, तो जो Q और Q की लाइन है, Q और W की लाइन सेम है, मीन्स कि यही इसी लाइन पे आपका Q और W आएगा, Q और W आएगा। ओके, उल्टा कर ले, दैट वन इज योर W, ओके, एंड दैट वन इज योर U, ओके, क्योंकि U और S, तो U और S एक ही लाइन पे आएगा। ओके, क्लियर? ओके, अब कौन से पॉइंट है, P और T, तो और मुझे क्या करना पड़ेगा, पी के प्रोजेक्शन डाउनवर्ड, टी के प्रोजेक्शन डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट वन पॉइंट एंड दैट वन पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट सेम ही आएंगे। ओके, अब देखो, ये जो पी है, दैट वन इज पी, ओके, दैट वन इज योर टी। जो पी है वो किसके बीच में, वन और फोर के बीच में। ओके, वन और फोर के बीच में, और वन और टू के बीच में, तो वन और टू के बीच में या वन और फोर के बीच में, तो वन सेंटर पी रेडियस, वन सेंटर पी रेडियस किसके बीच में, वन और फोर, तो वन से फोर तक, तो दैट वन इज योर वन और दैट वन इज योर फोर, तो यहाँ पे पी आएगा। ओके, सेम वन और टू के बीच में क्या है, दैट वन आई पॉइंट आई मार्क वन पी, वन टू पी, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ वन टू टू के, वन टू पी, आई मार्क हियर पी टू एंड आई मार्क हियर पी वन।
क्लियर। तो यहाँ पे ऊपर भी सेम ही होगा, ओके, दैट वन इज सी। तो 3 2 2 2 3 या 3 2 2, तो दैट वन इज 3 2 2, दैट वन इज 3 2 2। तो 3 2 2, तो 3 से 3 सेंटर टी रेडियस, 3 सेंटर टी रेडियस, ओके। तो 3 से 2 तक है, दैट वन इज 3, दैट वन इज 2, दैट वन इज 3, दैट वन इज 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टी, ओके। नाउ सेम 3 से 4 तक, 3 से 4 तक, तो 3 सेंटर और टी ये सेम ही है, तो 3 सेंटर एंड टी, ओके। मीन्स आपको यहाँ पे मिल गया दैट वन इज योर टी टू, ओके ओके, दैट वन इज योर टी वन, क्लियर। अब ये टी टू की एक लाइन लो कर दो, दैट वन, दैट वन पी टू, दैट वन पी वन, एंड दैट वन इज योर टी वन, ओके। अब देखो ये पी पी ओ टी की लाइन है, दैट वन पी ओ टी, यहाँ पे पी कहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मीन्स पी पी टू पी पी वन, ओके। सेम ये टी की लाइन है, तो यहाँ पे देखो टी कहाँ पे, दैट वन इज टी वन, ओके, दैट वन इज टी टू, तो टी टी टू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दैट वन इज योर टी टू, ओके, टी टी वन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट वन इज योर टी वन, ओके। अब इसको ज्वाइन कर दो, ओके। याद रखना कि बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी, मैंने 1 2 3 दिया है आपको, आर एस टी यू वी डब्ल्यू जो भी देना वो दे सकते हो, ओके, वो आपके ऊपर। अब इसको ज्वाइन कर दो, वी वन यू टू टी टू, वी वन डब्ल्यू टू, आप फ्रेंच का यूज़ करना, पी टू क्यू टू आर वन एस टू टी टू ओके टी टू, क्लियर, ओके। अब सेम यहाँ पे पॉइंट है ना, दैट वन इज योर क्यू वन, ओके, टी वन यू वन वी टू डब्ल्यू वन, नाउ सेम दैट वन इज योर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा, कोई बात नहीं कर देता हूँ, ओके दैट वन, ओके। यहाँ पे भी एक पॉइंट रह गया था ना, ये एस का था, तो दैट वन इज क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, ओके, ये लाइन किसकी थी, क्यू और एस, तो क्यू और एस मैंने यहाँ पे तो मार्क कर दिया, ओके, तो सेम यहाँ पे आएगा क्यू और एस, किस पे है, क्यू टू, ओके एंड एस टू, ओके, यू और एस दोनों सेम लाइन पे हैं, ओके, तो दैट वन इज एस, तो यू, तो यहीं पे आएगा आपका दैट वन इज योर क्यू वन, ओके, यहाँ पे नहीं आएगा दैट वन इज योर क्यू वन। और यहाँ पे अब देखो एस, तो एस भी कहाँ पे है, ओके, यू और एस, तो यहीं पे यू और एस, तो यहीं पे आपका आएगा दैट वन इज योर एस वन, ओके, क्लियर। यहाँ पे आपका क्यू वन नहीं आएगा, दैट वन इज नॉट योर क्यू वन, ओके, क्यू वन इज हियर। नाउ ज्वाइन टी वन टू क्यू वन, क्यू वन टू आर टू, आर टू टू एस वन, एंड एस वन टू पी वन, क्लियर। तो ये आपका सीट का डेवलपमेंट हो गया, और इसमें जो होल है बीच में वो इस तरह से दिखेगा आपको, ओके, तो दैट वन इज योर क्यू वन एंड एस वन। आप सिर्फ ये याद रखना, ये क्यू और एस की लाइन है, ओके, और यहाँ पे आपका बेसिकली जो U1 मार्क किया है, तो U1 और Q1, U1 और Q1, तो ये दैट वन इज़ योर Q1 की लाइन, तो Q1 मैंने, Q2 मैंने यहाँ पे लिया, इसलिए मैंने Q1 यहाँ पे लिया, S2 यहाँ पे लिया, मीन्स के दैट वन S1, क्लियर, मीन्स के ये दोनों सेम ही आएंगे, क्लियर, ओके, थैंक यू।